पराशर मुनि ने बताया है कि श्राद्ध क्या होता है। स्थान और वहाँ की परिस्थिति के अनुसार जो काला तिल कुश आदि से मंत्रों के साथ जो भी कर्म श्रद्धा से करते हैं वही श्राद्ध कहलाता है, जो पितरों को प्राप्त होता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितृ दोष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव के मंत्र का जप करें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् का आप जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र भी पितृदोष के प्रभाव को कम करता है। ओम पितृदेवतायै नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ऊपर दिए हुए किसी एक मंत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं और यह मंत्र आपको 108 बार प्रतिदिन करना रहेगा 15 दिनों तक। इस मंत्र से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में आशीर्वाद देते हैं। पितृ प्रार्थना कर सकते हैं, ओम नमो वा पितरो रसाय, नमो वा पितरः सोसाय, नमो वा पितरो जीवाय, नमो वा पितरः स्वधायै, नमो वा पितरः पितरो नमो वो ग्रहान्न पितरो दत्तः सत्तो वः। इस मंत्र से आप पितरों से प्रार्थना करें। प्रार्थना पित्रेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, सर्वपित्रेभ्यो श्रद्धयः नमो नमः। प्रार्थना करें पितरों से और श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंश को सुख समृद्धि संतान सुख आदि का आशीर्वाद देते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, इसलिए श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से कुंडली में पितृ दोष का प्रभाव जीवन से धीरे धीरे कम होने लगेगा और जीवन में सुख और समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। भगवान शिव के और भी मंत्र ओम कुल देवताये नमः 21 बार, ओम कुल देव्ये नमः 21 बार, ओम नाग देवताये नमः 21 बार और ओम पितृ देवताये नमः 108 बार। ओम पितृगणाय विद्महे जगदधारणे धीमहि तन्नो पित्र प्रचोदयात् का जप भी आप करते हैं या कराते हैं तो उससे भी आपको पितृदोष का निवारण बनेगा। इनका प्रयोग करके पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण को बैठा करके पैर धोएं और भोजन कराएं, संकल्प लें तथा ब्राह्मण को भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा वस्त्र आदि देकर के उन्हें संतुष्ट करें जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास में शक्ति सामर्थ्य हो तो गौ भूमि दान दें, ना हो तो भूमि गौ के लिए द्रव्य ही दें। इनका भी संकल्प करके अगर आप करते हैं तो पितरों को प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। जय माता दी।